थे आप लोग, तो हम बैठ ही ना वहाँ पर उस बाद में। दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान भी, एक नई सुबह के संग, एक नए दिन के संग, एक नए ब्लॉग के संग में फिर से आ गया हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं आज के ब्लॉग मेरे ब्लॉग में रहेंगे, स्किप करके मत देखने तो कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो आज दिखाने वाला हूँ नैनीताल का टूरिज़म, वेदर जो ओले पड़ने का नैनीताल में कैसा वेदर है तो ये दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ इस टाइम तल्लीताल में, तल्लीताल से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करता। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इस टाइम में हूँ तल्लीताल, तल्लीताल रेलवे स्टेशन के पास, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आज जो वेदर है कुछ इस तरीके से है, और इधर की तरफ देखिए काले बादल हैं बिल्कुल, ये देख रहे हैं काले बादल बिल्कुल। और परसों ओले के बाद तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो गया नैनीताल में, तो फिर से गर्म जैकेट या स्वेटर निकल गई हैं। तो काफ़ी ओला पड़ गया था रात में तो जम गया था जैसे मैंने आपको दिखाया। और इस टाइम मैं हूँ तल्लीताल, तल्लीताल की तरफ से यह है नज़ारा कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप लोग। और हल्के हल्के ऊपर फॉग टाइप का, कोरा टाइप का है वहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा। और लेक पानी का लेवल देख सकते हैं कम, और पानी की जो हवा आ रही है ठंडी बिल्कुल बर्फीली, अब तो ओले वाली तो हवा आई क्योंकि इतने ओले पड़ गए थे, पूरा वाइट वाइट हो गया था। तो ये देख रहे हैं इस टाइम, और ये है तल्लीताल का रेलवे स्टेशन जो यूनिक बन रहा है इस टाइम ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं आगे कैसा नज़ारा है। तो मैं आ चुका हूँ तल्लीताल के रिक्शा स्टेशन तल्लीताल, तो यहाँ से देखते हैं। और यहाँ से तो बेहतर है सफ़र है कि अभी बारिश पड़ जाएगी, लेकिन तुम टोल टैक्स के पास। तो देख सकते हो आप, चलते हैं लेक की तरफ, थोड़ा सा लेक देखते हैं लेक का कैसा है। उधर से ई रिक्शे, तो ये देख सकते हैं यहाँ से पैडल बोर्ड मिल जाएगी, और कूड़ा देख सकते हैं हम लोग। सब ये उसी दौरान आया है ये, जब ओले पड़े थे नाल के द्वारा ये बहते हुए। तो लाल आप देख सकते हैं ये, और नैना पिक की तरफ भी कोहरा लगा हुआ है, तो वहाँ भी कोहरा है। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा ये। तो ये देख सकते हैं इस टाइम मैं हूँ गार्डन में, पार्क में, और पार्क से भी कुछ इस तरीके का है नज़ारा लेक का, ये देख सकते हैं आप लोग। और ओले पड़ने के अलावा भाई साहब बहुत ठंडा हो गया है, और मैंने जैकेट पहन रखी है, आप देख सकते हैं जैकेट, तो जैकेट तो उतरी नहीं रही है, इसके अंदर गर्म जैकेट है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नैनीताल का वेदर चेंज हो गया एकदम से, तो हम तो सोच रहे थे गर्मी आ जाएंगी लेकिन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो लेक की हवा है ना, ये काफ़ी कातिल लग रही है, मुंह पे लग रही है कुछ ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम बैठ गए हैं ई रिक्शा में, अभी ई रिक्शा तीन सवारी आउट होने का फिर चलेगा ये, तीन सवारी का इंतज़ार करते हैं फिर चलते हैं। तो देखिए हम चल पड़े हैं यहाँ से ई रिक्शे में, और तो ये देख सकते हैं हम लोग। और इसमें बैठने में इतनी ठंडी हवा लग रही है ना वहाँ पर, ये बहुत ठंडी। ये देख सकते हैं चांदनी चौक, और सामने चर्च। यहाँ से चलती है शटल सेवा, यहाँ से आप चिड़ियाघर जा सकते हैं।
देखिए इस टाइम पहुँच चुका हूँ मल्ली ताल, और मल्ली ताल में यहाँ से ये देखिए तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। परसों की बारिश में लग रहा है पूरा कट गया है, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ तक तो था ही मिट्टी। तो कुछ इस तरीके से लोग बोटिंग करने जा रहे हैं। और सूरज यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा, ये देख सकते हो आप सामने। तो हम चलते हैं इधर से, शॉर्टकट मारते हुए चल रहे हैं। हम हाईवे से नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट से जा रहे हैं यहाँ से। तो देख सकते हो आप लोग, ये देखिए बच्चे कितने से सतान हो रहे हैं एक दूसरे को, लड़ाइयाँ। तो यहाँ देख सकते हो लेवल, मतलब डेल्टा वहाँ तक है। अगर पानी और सूख जाएगा ना तो वहाँ तक जा सकते हैं। और ये आठ बोट सामने से आते हुए, तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये आठ बोट आ रही है और हवा के डायरेक्शन से चलती है। और यहाँ से आप पानी का लेवल देख ही रहे हैं कितना कम हो चुका है, और ओले पड़े हैं उसके बाद भी पानी का लेवल अभी बढ़ा नहीं है। हालाँकि इतनी मिट्टी कट गई है ये, हम तो यहाँ तक आ रहे थे। तो ये देख सकते हो आप किस तरीके से यार्ड बोर्ड हल्की आ रही है। और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लोग जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से है नैनीताल का वेदर। अभी मैं था तल्ली ताल से आ गया हूँ मल्ली ताल। तो ये देख सकते हैं, ये है पार्क, और पार्क के अंदर चल रहा है काम। तो कुछ इस तरीके से पेंट वेंट हो रहा है। तो अब ये जो सीज़न आ रहा है ना उसमें ही ओपन हो जाएगा हमारे। हालांकि झूले भी जो टूट गए थे शायद वो भी सही हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी चमक हो गई है, चमक धमक। तो यह है चिल्ड्रन पार्क, बच्चों का पार्क। तो कुछ इस तरीके से देखिए, और मैं उस टाइम फुटपाथ में, और फुटपाथ में देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी जो ना दुकानें खुली नहीं है, 4 बजे इसका समय है, 4 बजे खुलेंगी दुकानें। उसके बाद फिर कुछ जाके यहाँ पे क्राउड बढ़ जाएगा खरीदारी का। फिलहाल अभी कुछ खरीदारी नहीं हो रही है। वेदर चेक करिए कुछ इस तरीके से देखिए, ये वेदर है। यहाँ पे काले बादल लगे हुए हैं इधर की तरफ भी, जैसा लग रहा है कि ओले क्या पता आज भी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं ना सामने चल रहा मैच, लोकल टूर्नामेंट। और यहाँ से वेदर चेक करिए कुछ इस तरीके से वेदर बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, कोहरा लगा हुआ है। नगर पालिका जस्ट पीछे देख सकते हैं, और इधर नीला आसमान। ये सामने जाओ मस्जिद, DSO का ऑफिस नगर पालिका, यहाँ चल रहा मैच। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है नज़ारा। तो मैच तो काफ़ी दिलचस्प हो रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं मैच, टाइम पास कर रहे हैं। और हम जो हैं व्लॉगिंग कर रहे हैं, सीढ़ियों में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। इधर धूप सेकते हुए, क्या धूप इतनी जानदार आ नहीं रही है, धूप बहुत कम आ रही है। चलिए एक बॉलिंग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, और हल्का सा तो जिस तरीके से चल रहा है मैच। फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान लेने को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।